अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 14 का टॉपिक है जनाब अली, CRO, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। जनाब अली, कैथोड रेज के नाम से जाहिर है कि इसमें कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं, और ऑसिलोस्कोप आप पंजाबी लहजे में इसे स्कैलोस्कोप भी कहते हैं, लेकिन ये स्कैलोस्कोप नहीं है, ऑसिलोस्कोप होती है। ऑसिलोस्कोप जनाब दो अल्फाज के मिलने से बना है, ऑसिलेशन प्लस स्कोप। ऑसिलेशन को देखने के लिए ये बेसिकली ग्राफ प्लॉटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको ग्राफ प्लॉट करके देगा, ये आपको वेवफॉर्म ड्रा करके देगा स्क्रीन पर, टेलीविजन की तरह स्क्रीन होती है बेसिकली, टीवी का ये एसेंशियल पार्ट होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल नाम से जाहिर है जनाब कि ये ऑसिलेशन को दिखाएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाएगा कि कैसे ऑसिलेशंस होती हैं। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस वैसे ये दिखाएगा, लेकिन अगर मैकेनिकल ऑसिलेशन है आप उनको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट ईयर में चैप्टर 8 में हमने साउंड वेव्स को माइक्रोफोन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमने CRO की स्क्रीन पे देखा था। ये वही CRO है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जनाब ये बहुत अच्छा ग्राफ प्लॉटिंग इंस्ट्रूमेंट है, पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से वेरी प्रिसाइज मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल ये सही ड्रा करके देता है हमें पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये बिल्कुल रिजल्ट ख़राब नहीं करता, जैसे कि गैल्वेनोमीटर पे बेस करने वाला वोल्ट मीटर है, ये भी पोटेंशियोमीटर की तरह बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि पोटेंशियोमीटर ज़रा सस्ता इंस्ट्रूमेंट है, CRO ज़रा महंगा इंस्ट्रूमेंट है। वैसे भी जनाब सियाने कहते हैं कि अच्छी चीज़ सस्ती नहीं होती और सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, बहरहाल थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है। किसी अच्छी कंपनी की जो ऑसिलोस्कोप है आजकल आपको 1 लाख से ज़्यादा ही कॉस्ट पड़ेगी उसकी। बहरहाल जनाब CRO काम कैसे करती है, ग्राफ कैसे प्लॉट करती है, मैं आपको चेक कराता हूँ। मैंने एक ऐप फ़ोन में की हुई है दिखाने के लिए, ये देखिए आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो साउंड एनर्जी है उसको उसकी वेवफॉर्म प्लॉट करके आपको दे रहा है। ये देखिए ये माइक्रोफोन पे काम कर रहा है और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसे ऐसे मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन पे वेव टपूसियाँ मार रही है, यानी कि वो वेव चुप कर गया, देखिए जैसे ऐसे बोल रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे वेवफॉर्म फ्लक्चुएट करती नजर आएगी। ये जो असल में मेरी जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करंट में कन्वर्ट हो रही है और वो उसको प्लॉट कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी इस तरह की है जैसे स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो जनाब ये CRO ऐसे ही काम करेगी। अब देखिए मैं जरा ऊंचा बोलूंगा, लाउडनेस जरा ज्यादा हो जाएगी, माइक्रोफोन की तरफ मुंह करके मैं बोलता हूँ, देखा। तो जब जितना ज़्यादा ऊंचा बोलेंगे एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो जनाब CRO भी बिल्कुल ऐसे ही, जब हम इसे इनपुट देंगे तो ये ऐसे ही हमें प्लॉट करके देगी अपनी स्क्रीन पे। अब ये डिपेंड करता है कि वो पोटेंशियल कैसा है, साइनोसाइडल है या DC है, मतलब AC है या DC है, उसी लिहाज से ये प्लॉट कर देगा। तो जनाब अभी हम शुरू करने वाले हैं CRO के एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से हैं और ये काम कैसे करेगी। जनाब ये जो पुराने ज़माने के टीवी होते थे, आजकल तो LCD LED टीवी आ गए, ऑर्गेनिक LED आ रहा है, लेकिन जो पुराने ज़माने में जो पिक्चर ट्यूब वाले टीवी होते थे वो डिस्प्ले होता था CRT डिस्प्ले, कैथोड रेज ट्यूब डिस्प्ले। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे बनी हुई है ये CRT है, कैथोड रेज ट्यूब है, और CRO में बेसिकली यही सारा काम करती है। तो जनाब हम देखते हैं कि CRO के एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं और ये कैसे काम करती है। तो जनाब अली, कार्रवाई शुरू होती है। जनाब CRO में सबसे पहला जो हिस्सा है इसमें होता है इलेक्ट्रॉन गन, क्योंकि इसमें कैथोड रे से यानी इलेक्ट्रॉन की मदद से प्लॉट करना है, जो स्क्रीन पे प्लॉट करना है, जो ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब जो पोटेंशियल को ड्रा करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मदद से करना है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हमें चाहिए। इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी। जनाब इलेक्ट्रॉन गन को पहले डिस्कस करते हैं, इसके कौन कौन से हिस्से हैं। जनाब 4 हिस्से हैं इलेक्ट्रॉन गन के, फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड और सेट ऑफ एनोड्स। ये क्या काम करते हैं जनाब, फिलामेंट क्या है,
ये जैसे वो फिलामेंट वाला बल्ब होता है जिसे आप बिजली से लगाते हैं तो वो रेड हॉट हो जाता है, रोशनी खारिज करता है, ऐसे ही फिलामेंट को हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और उसके नतीजे में ये हीट होता है। और इसके आगे कैथोड है जो मैटर प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, और ये अलग जब ये हीट होगा, फिलामेंट हीट होगा, उसके नतीजे में कैथोड भी हीट होगा। तो हम यूँ कहते हैं कि कैथोड इज़ इनडायरेक्टली हीटेड, डायरेक्ट इसे चूल्हे पे नहीं रखा जाता, मतलब डायरेक्ट इसे आग नहीं लगाई जाती या कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता, कैथोड को डायरेक्ट हीट नहीं दी जाती, फिलामेंट को हीट दी जाती है पोटेंशियल प्रोवाइड करके, और उसके नतीजे में कैथोड हीट होता है। तो ये इनडायरेक्टली हीट होता है। फिलामेंट को वोल्टेज देने का मतलब ये है कि वो गर्म हो जाए, हीट अप हो जाए, फिर वो कैथोड को हीट करेगा, और कैथोड को जब हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले ही काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पहले ही काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर हीट अप होने के बाद, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड हमारे पास है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जैसे अगर आपने कढ़ाई में दाने भूनते हुए देखा हो या पॉपकॉर्न बनते हुए देखा हो, वो जैसे ही फुल्ला बनता है पटक करके गुदर को गुदर को गुदर को गुदर को ऐसे करके निकल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो भी, वो क्या कहते हैं, गाना होता है पुराने जमाने का बड़ा मशहूर के दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा कोई इधर को निकलेगा कोई इधर को निकलेगा, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे वो इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज, यानी कि जो कैथोड से निकलेंगे कोई इधर को किधर को कोई इधर को, तो उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी और हमें उस तादाद को कंट्रोल करना है। ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपको ग्राफ प्लॉट करके स्क्रीन पे नज़र कैसे आएगा, स्क्रीन पे नज़र इस तरह से आएगा कि हाई एनर्जी हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उनकी किनेटिक एनर्जी खासी ज़्यादा होगी, वो जाके स्क्रीन के साथ टकराएंगे, जब स्क्रीन के साथ टकराएंगे तो वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आएंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे, वो जो एनर्जी रिलीज़ करेंगे वो फिर ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन होगी, उसकी मदद से बेरियम सल्फाइड कोटेड स्क्रीन होगी, तो उसकी मदद से फिर ग्लो पैदा होगा, रोशनी पैदा होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन चाहिए जो स्क्रीन के साथ आके टकराएं और अपनी एनर्जी लूज़ करें, जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे तब वो हमें रोशनी की शक्ल में, तब वो ग्लो करती हुई स्क्रीन, रोशन होती हुई स्क्रीन हमें नज़र आएगी। वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से निकल रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि वो इलेक्ट्रॉन चूंकि खासी ज़्यादा एनर्जी लेके आएंगे, तो जब वो जाके स्क्रीन के साथ टकराएंगे हो सकता है ज़्यादा रोशनी खारिज हो, इतनी ज़्यादा कि आँखें चकाचौंध हो जाएँ, ग्लेयर पैदा हो जाए आँखों में, मतलब ब्राइटनेस हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो, हमें उस ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए जनाबे अली हमारे पास है ग्रिड। ग्रिड क्या है, एक तरह की जाली है, उस जाली में से इलेक्ट्रॉन निकल के तो जा सकते हैं, लेकिन ग्रिड इज कैप्ट एज नेगेटिव पोटेंशियल, ग्रिड इज कैप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल, ग्रिड नेगेटिव पोटेंशियल पे रखी जाती है। तो नेगेटिव पोटेंशियल पे क्यों होती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जो ही इलेक्ट्रॉन जिनका नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड से निकल के आते हैं ग्रिड की तरफ, तो ग्रिड का जो नेगेटिव पोटेंशियल है यानी इस पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो निकल के आ रहे हैं कैथोड से वो सारे के सारे एक जैसी किनेटिक एनर्जी से नहीं निकल के आ रहे, कोई इनमें से ज़्यादा स्पीड से आ रहा है कम स्पीड से आ रहा है, कोई जो कम किनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो ग्रिड के नेगेटिव पोटेंशियल से पहले ही रिपेल होके वापस चले जाएंगे, वो आगे निकलने में कामयाब नहीं होंगे। वो इलेक्ट्रॉन जिनकी किनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो इस ग्रिड के नेगेटिव पोटेंशियल की से मिलने वाली रिपल्शन को ओवरकम करके यहां से निकल जाने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम ब्राइटनेस को कैसे कंट्रोल करेंगे, आपके टीवी पे जो ब्राइटनेस कंट्रोल करने वाला स्विच है या रिमोट से जब आप कंट्रोल करते हैं, CRT डिस्प्ले की बात हो रही है, कैथोड रेज ट्यूब पिक्चर ट्यूब वाले टीवी की बात हो रही है, LED या LCD वाले टीवी की बात नहीं हो रही। तो ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल कम या ज़्यादा किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है तो आप ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल कम करेंगे ताकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम मिले, थोड़े रिपेल हों और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के आगे जाने में कामयाब हो सकें।
अगर आप चाहते हैं स्क्रीन पे ब्राइटनेस कम करना, तो आप ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली रिपल्शन पहले से ज़्यादा हो जाएगी, और जब रिपल्शन पहले से ज़्यादा होगी तो ज़्यादा रिपेल हो जाएंगे, थोड़े निकल के जाने में कामयाब होंगे, थोड़े इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो जाके स्क्रीन के साथ टकराने वाले थोड़े होंगे, ग्राउंड स्टेट में लोअर एनर्जी स्टेट में कम आएंगे, कम रोशनी खारिज होगी, तो आपको स्क्रीन पर ब्राइटनेस भी कम नज़र आएगी। तो खातिन हजरात, ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल कंट्रोल करके आप स्क्रीन पर ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप स्क्रीन की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ग्रिड। उसके बाद अभी इलेक्ट्रॉन गन ने क्या करना है, गन की एडी लंबी नाड़ी भी होती है, उसका क्या फ़ायदा होता है, वो एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करती है बुलेट को। तो बुलेट को जो स्पीड देना है उसका काम पहले मरहले में तो ट्रिगर का है, जिसने धक्का मारना है, जिसने पुश करना है बुलेट को, वो काम यहाँ पे कर दिया है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ग्रिड ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रोल किए हैं, लेकिन ग्रिड से निकलने के बाद भी मसला ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ये रैंडमली निकल रहे हैं। हमने दो काम करने हैं, इनको फोकस करना है, टारगेट पर रखना है, और इनकी कनेटिक एनर्जी भी कुछ हसबे ज़रूरत ज़्यादा करना मकसद है। तो ये ग्रिड क्या है, सॉरी ये एनोड क्या है, पहला जो एनोड का सेट है, ये जनाब दो प्लेट्स हैं जिन पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये ऊपर नीचे ऐसे करके है, ऐसे ये ए वन है जनाब सेट ऑफ प्लेट्स, ये ए टू है और ए थ्री है, एक सेट एनोड्स का, दूसरा सेट और तीसरा सेट। जनाब जो पहला सेट है एनोड्स का, दोनों प्लेट्स पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, इनका फ़ायदा क्या होगा, और ये बिल्कुल करीब करीब है, वेरी नैरो होती हैं, या स्क्रीन यहाँ डायग्राम बोर्ड पे बनाते हुए हम जरा ज़्यादा फासले पे बना लेते हैं, लेकिन असल में ये बिल्कुल करीब करीब होती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ना इधर को जाएगा ना इधर को जाएगा, बल्कि दरमियान में आ जाएगा। और एक तो फायदा यह होगा कि इलेक्ट्रॉन को दरमियान में लाने की कोशिश करेंगी, अलाइनमेंट सिद्धि करने की कोशिश करेंगी, और दूसरा फायदा यह है कि चूंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट उसे अट्रैक्ट करेगी, तो उसकी स्पीड, उसकी कनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। जनाब इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा हो गई और वो दोनों प्लेट्स के दरमियान में आ गया, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, क्योंकि स्पीड उसकी खासी है, कनेटिक एनर्जी उसकी खासी है, तो बिल्कुल दरमियान में आने से पहले ही इस एनोड की जो ये वाला जो सेट है एनोड का, दोनों प्लेट्स का, इसके दरमियान से गुजर के आगे निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो इसको रेंडमाइज हो रहा था, रेंडमली निकल रहा था, बहुत ज़्यादा डाइवर्ज होकर निकल रहा था, अब काफ़ी हद तक ये सेंटर में आने की कोशिश कर चुका होगा, थोड़ा सा सीधा भी हो चुका होगा, तो यहां से निकल के ये इलेक्ट्रॉन जनाब देखिए अब ये सीधा हो रहे हैं, वो जनाब A2 तक जाएंगे। A2 का पोटेंशियल ग्रेटर देन है A1 के मुकाबले में। ए वन, ये तो दो प्लेट्स हैं, इन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, ए टू पे उससे ज़्यादा होगा। उससे क्या होगा जी, कि ये इलेक्ट्रॉन को मज़ीद खींचेगा, उनको एक्सेलरेट करेगा, स्पीड, कनेक्टिव एनर्जी थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी, और ये भी दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। नतीजा क्या होगा, ना इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा ना ही इधर को जाएगा, बल्कि दरमियान में आ जाएगा या आने की कोशिश करेगा। कुछ इसने सीधा कर दिया, कुछ इसने सीधा कर दिया, और जनाब रही सही कसर, ये तीसरा जो एनोड का सेट है ये कर देगा। A3 पे पॉजिटिव पोटेंशियल A2 से भी ज्यादा है और A2 का पोटेंशियल A1 से भी ज्यादा है। तो जब यहां तक इलेक्ट्रॉन तीसरे एनोड के सेट तक पहुंचेगा, तो उसकी स्पीड, कनेटिक एनर्जी भी खासी हो चुकी होगी, और इसके साथ साथ ये कुछ इसने अलाइनमेंट करा दी, कुछ इसने करा दी, कुछ इसने करा दी। साइंस पढ़ने वालों को ना जी, कुछ तो फिजिक्स पिता मार देती है, कोई केमिस्ट्री मार देती है, रही सही कसर मैथ या बायोलॉजी पूरी कर देती है, तो बंदा ऐन तीर की तरह सीधा हो जाता है। कहते हैं ना कि इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई, तो ये ऐसे ही सीधा करने वाला है। ये जनाब जो तीन एनोड्स के सेट लगे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर सी आर ओ में एनोड्स के तीनों ही सेट लगे हुए हों, हो सकता है एक से ही पूरा कर लिया जाए काम, वही प्लेट्स ज़्यादा लंबी चलाई जाएं, या दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो। मैंने जो भी आपको मोबाइल पे सीआरओ बना के दिखाई है, ये डिजिटल है, ये सीआरटी डिस्प्ले नहीं है,
इसका डिस्प्ले बनाने का तरीकाकार और है, आपको सिर्फ डिस्प्ले दिखाया है मैंने कि सीआरओ पे इस तरह का बनेगा, अदरवाइज इस मोबाइल पे जो डिस्प्ले बन रहा है इसकी बेसिक टेक्निक और है, सीआरटी डिस्प्ले की बेसिक टेक्निक और है। तो बहरहाल जनाब इलेक्ट्रॉन चलते चलते यहाँ से तीसरे सेट से चले तो यहाँ तक वो सेंटर में वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक हम उनको लेके जाना चाहते थे। तो जनाब आली ये जो हिस्सा है, जो चार पार्ट्स हैं, फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड और एनोड्स, ये सारे बेटा जी मिलके ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉन गन। वो जो हमने चार्ज टू मैस रेशो कैलकुलेट की है इलेक्ट्रॉन की, उसमें इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फायर किया जाता है वो ऐसे ही किसी इलेक्ट्रॉन गन से ही निकल के आ रहा है। जहाँ पे भी हमें हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो हम यहीं से निकाल लेंगे। वहाँ पे हमने इक्वेशन भी लिखी थी कि इलेक्ट्रॉनिक कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, ई वी लिखा था, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और वी कौन सा पोटेंशियल था, जो यहाँ फिलामेंट पे हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया ये वो वाला पोटेंशियल था। तो जनाब ये इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है हमारे सामने मौजूद खातिनो हजरात, और यहाँ तक तीसरा जो एनोड का सेट है यहाँ से निकलने के बाद ये बिल्कुल इसकी स्पीड और कनेटिक एनर्जी भी खासी हो चुकी है और इसके साथ साथ ये अब कॉलीमेट भी हो चुका है, मतलब ये इसकी अलाइनमेंट भी सीधी हो चुकी है, बिल्कुल स्ट्रेट हम जहाँ पे इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे ये हो गया है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन आगे आएगा तो आगे मरहला है जनाब इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कराने का। ये जो दो पार्ट हैं ये सीआरओ के हैं डिफ्लेक्टिंग पार्ट्स, दो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग पार्ट्स हैं, ये दो हमारे पास सेट्स ऑफ प्लेट्स लगी हुई हैं। इनमें से पहली जिसके पास जहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक्स लिखा नज़र आ रहा है ये है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ये ऐसे लगी हैं। आपको मैंने ये प्लेट दिखाई है, स्क्रीन पे एक्स प्लेट है, इसके पीछे बिल्कुल ये एक्स प्राइम प्लेट है, ऐसे करके एक्स प्लेट और एक्स प्लेट, एक्स प्राइम प्लेट ऐसे करके लगी हुई हैं ये। इसके बाद वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ऊपर वाली को हमने वाई कह लिया, नीचे वाली को वाई प्राइम कह लिया। हो सकता था कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पहले लगी हुई हों, हॉरिजॉन्टल वाली बाद में लगी हो, ये भी कोई मसला नहीं है, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। और हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एक ही जगह पे लगी हुई हो, ये भी कोई मसला नहीं है। बैरल डिफ्लेक्शन कराना है, हम हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की कैथोड रेज की लेज़र से डिस्कस करेंगे, फिर बाद में वर्टिकल डिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गन से निकल के आ गया है, इलेक्ट्रॉन गन से निकल के जब वो आगे जाएगा तो तब वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स से गुजरेगा, तब वो डिफ्लेक्शन पैदा करेगा। तो जनाब हम डिस्कशन चूँकि ज़रा ज़्यादा लंबी चली जाएगी तो हम सीआरओ को दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। अभी आपने पहला पार्ट सीआरओ का देखा, मतलब पहला पार्ट लेक्चर का आपने अभी देखा और यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है इसमें हमने इलेक्ट्रॉन गन को डिस्कस किया है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के आएंगे और कैसे वो बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाएंगे। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन कैसे होगी, कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन कैसे होगी और स्क्रीन पर वो इमेज कैसे बनाएंगे और सीआरओ हमें कैसे फ़ायदा देगी। तो उसके लिए देखते रहिए अगली एपिसोड।